हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग अंजू। और मैं हूँ अंजू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग को आवाज़ से पता चल रहा होगा। और 3-4 दिन तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया है गले में। तो देखिए, मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ और मैंने फटाफट इस तरह से निकाल लूँगी डीप फ्राई करके। इसके बाद मैं इसमें बनाऊँगी पनीर, और पनीर भी मैं घर पर ही बनाई हूँ। और मतलब पनीर बनाने का कुछ इरादा नहीं था। हर रोज़ लाडो का दूध आता है तो दूध पता नहीं कैसे फट गया, फ्रिज में रखे थे फिर भी फट गया। यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं सोचे क्या करूँ इसको। अक्सर मैं उसको शक्कर डाल के और अच्छे से बॉयल कर देती हूँ काफ़ी टाइम तक, तो बच्चे लोग और मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ। पर मैंने इस बार पनीर बनाया है और पहली बार ट्राई किया है। तो जैसे ही मतलब हम पूरियाँ बना लेंगे, इसके बाद मैं पनीर इसमें बनाऊँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, और ये है देखिए अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज। और बस अब इसको इसमें डाल देना है और फ्राई करना है। जीरा को हम क्रैक करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बस जैसे ही जीरा डालेंगे तुरंत हम सब इस मसाले को भी डाल देंगे। तो देखिए, पनीर यही है, मैंने इसको एक कपड़े में बांध कर रख दिया था और कितने अच्छे से सेट हो गया ये देखिए। और मैंने इसको सेट करने के लिए आधा घंटा बांध कर और ऊपर से दबा कर रखा था। उसके बाद मैं निकाल के इसको इसी प्लेट में रख कर ऊपर से ढक के फ्रिज में रख दी थी, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए, अब हमने इसमें डाल दिया 2 टमाटो, और मैं अब इसमें ही डाल दूँगी, यानी जितना हमें भाजी बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल देना है, स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सभी मसाले को हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीन से चार मिनट भून लेना है मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है। बस एक प्लेट में निकाल कर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, जैसे कि मसाले का पेस्ट बनता है। तो देखिए, हमने पनीर को कट कर लिया है और काफ़ी बड़े पीस में कट किया हुआ है। तेल रख दिया, तेल गर्म हो गया है। बस अब हम इसको डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। और मैं यहाँ पर आज पनीर को काफ़ी ज़्यादा फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब अक्सर मैं कम फ्राई में करती हूँ, पर इस बार मैं ज़्यादा फ्राई करके इसका टेस्ट देखना चाहती हूँ कैसा है। और तो बस मैं फटाफट से देखिए फ्राई भी कर ली, और फिर से तेल तो और एक्स्ट्रा नहीं डाली हूँ, उतना ही तेल है। उसमें डाली हूँ 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से क्रैक हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा मटर। और हरा मटर जैसे ही डालते हैं ना तुरंत उड़ने लगता है, तो इसके लिए मैंने ऊपर से ये डाल दिया था, यानी कि चम्मच जो भी है पूरियाँ जैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमने मसाला का पेस्ट बना लिया है, और मसाला पेस्ट बनाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बस जो उसमें पानी मतलब लगा रहता है मसाले का, मसाला वो भी एक्स्ट्रा हम धोकर इस तरह से इसमें डाल देंगे, और उतने ही मसाला में काफ़ी सारी पेस्ट बन जाती है, आप देख लीजिए। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। सभी पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मतलब हम इस तरह से मसाला बनाते हैं ना, तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी रहती है, और पनीर की ग्रेवी गाढ़ी रहती है तो ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ पनीर मसाला। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक करके पका लेंगे 20-20 में चलाते हुए। तो देखिए, मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है और सभी तेल छोड़ दिए हैं। देखिए ऊपर कलर कितना चेंज हो गया पहले और अब में। बस अब हम इसमें डाल देना है ग्रेवी के हिसाब से पानी, हमें कितना मतलब गाढ़ी पतली रखनी है। वैसे तो ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, बस हम इसमें इतना पानी ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, और ये देखिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो बस अब हम इसको इस तरह से ढक देंगे और पकने देंगे। तो देखिए, पनीर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पक गई है। देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है साइड साइड से, और ग्रेवी भी थिक हो गई है, यानी कि गाढ़ी हो गई है। ऊपर से इस तरह से डाल देंगे हरा धनिया कट करके। बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद करेंगे प्लेटिंग। और सच में पर बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है राइस, पनीर, पूरी और प्याज। किस किस को खाना है फ्रेंड्स, आ जाइए, बहुत ही यमी है, और एक बार ट्राई करना। क्योंकि ना मतलब कुछ भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं लगता है, फिर भी
तो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? और मैंने आप लोग को बता ही दिया है मैं पनीर घर पे ही बनाई हूँ, क्योंकि दूध ख़राब हो गया था तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया, मतलब नीचे से एक मोटा कपड़ा रख के कॉटन का, और अच्छे से वॉश करके उसको गांठ बंद करके रख दिया था मैंने गांठ मार के, और करीबन 30 मिनट में वो अच्छे से सेट हो गया। फिर मैं पनीर में रख दी, सॉरी फ्रिज में रख दी थी, तो बहुत ही अच्छे से पनीर बन गई थी। और काफ़ी दिनों से मेरी मतलब वीडियो नहीं जा रही है, और क्यों नहीं जा रही, उधर तो लाडो का तबीयत नहीं ठीक था और अभी मेरा ठीक नहीं है। मेरा तो मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बस मेरा गला ही मतलब बैठ गया है और आवाज़ नहीं आ रही है बरोबर गले में, क्या पता क्या इन्फेक्शन हो गया है अचानक से ऐसा हो गया है। और लाडो तो काफ़ी ठीक है पहले से, मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग मतलब परेशान हो रहे होंगे। और 3-4 दिन तो मेरा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा था, मैं जितना भी बात कर रही हूँ इतना भी आवाज़ नहीं आ रहा था, तो मुझे आज थोड़ा ठीक लगा तो मैं सोची क्यों ना आप लोग तक पहुँचा दूँ एक वीडियो, और मैं आप लोग को बता भी दूँ कि हम लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ठीक हैं, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है और जैसे ही ठीक हो जाता है वीडियो रेगुलर जाएगा। और आप लोग प्लीज़ सावधानी से रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग खुश रहिए।